आपको कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं, तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें, हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए। जी हाँ, मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को 2 दिन इंडिया गठबंधन की अहम मीटिंग होने वाली है। ये मीटिंग इसलिए अहम है क्योंकि मीटिंग में सीटों का बंटवारा होना है, साथ ही संयोजक का चुनाव भी होना है। नीतीश कुमार बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि उन्हें पद जैसी कोई लालसा नहीं है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए और इस पर वो विचार भी नहीं कर रहे। वहीं दूसरी तरफ पार्टी ये कह रही है कि समय आने पर सब कुछ तय होगा। ऐसे में चर्चा है कि क्या नीतीश कुमार का संयोजक पद से पत्ता कट चुका है या उनके नाम पर कोई संशय है या फिर उन्हीं के नाम पर सहमति बनना मुश्किल है इसलिए वो इंकार कर रहे हैं, इसकी चर्चा पूरे भारत में हो रही। लेकिन मुंबई मीटिंग से पहले इस बात की चर्चा ने एक बार फिर से कांग्रेस के हाथ में गेंद दे दी है और ये माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के संयोजक उनकी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बन सकते हैं। और हालांकि इस बीच में नीतीश कुमार की पार्टी के नेता ये जरूर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बड़ी भूमिका इस बैठक के बाद मिल सकती है क्योंकि उन्होंने ही इसका गठन किया था और उन्होंने ही इसका सपना देखा था। हमको ये नहीं समझ में आता है कि हम लोग बार बार कह चुके हैं कि चाहे कन्वेनर का बात हो या इसके लीडर की बात हो, सब कुछ समय पे निर्णय लेके आपको बता दिया जाएगा, आप लोग क्यों बेचैन है हम नहीं समझना चाहते। अब जब जो उपयुक्त समय होगा कन्वेनर चुनने का, जो उपयुक्त तरीका होगा, जो सभी दलों की राय होगी, जो उपयुक्त समय होगा, आप चुनाव में बहुमत दिला दीजिए, हम लोग बिना किसी परेशानी के आपको नेता भी चुन के बता देंगे, आप लोग मदद करिए, दिखा देंगे। वहीं एक तरफ जब इंडिया की बैठक मुंबई में होगी उसमें सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी और इस बैठक के बाद ये भी तय हो जाएगा कि इसका नेतृत्व कौन करेगा और इसका संयोजक कौन बनेगा। नीतीश कुमार ने तो साफ कह दिया है कि वो नहीं बनेंगी। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव भी ये कह चुके हैं कि संयोजक तो बनेंगे ही, इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर भी संयोजक बनाए जाएंगे, यानी प्रदेश स्तर पर भी जो कोऑर्डिनेशन का काम देखेंगे वो भी संयोजक के पद के रूप में काम करने वाले व्यक्ति भी होंगे और उनका भी चुनाव होगा। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने ये बात कह दी है कि लालू प्रसाद जैसे बड़े नेता को ये बातें सार्वजनिक मंच पर नहीं कहनी चाहिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने दरअसल ये बात मीडिया के सामने कह दी थी। ऐसे में नीतीश कुमार ने कहा कि लालू जी को ऐसा सार्वजनिक तौर पर नहीं कहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अब चर्चा ये है कि नीतीश की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी जगह ले सकते हैं क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, और इसके अलावा कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस बड़ा दल भी है और उन्हें दलित होने का भी लाभ मिल सकता है और दलित अगर संयोजक बनेगा तो इसका लाभ इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। ऐसे में चर्चा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। कन्वेनर वगैरह पर भी कुछ चर्चा होगी तो स्वीकार करिएगा, उसकी चर्चा है कि आपको पूरे नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं, तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें, हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं, इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, वो सब बात नहीं, हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। हालांकि जो भी बात हो लेकिन तैयारियां जोरों पर है। वहीं इंडिया का देश भर में 450 लोकसभा सीटों पर आमने सामने लड़ने का लक्ष्य, यानी सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ इंडिया 450 सीटों पर करने का लक्ष्य बना चुकी है ताकि एनडीए के लिए कड़ी चुनौती दी जा सके। अभी बहुत कुछ होना इस पूरी घटनाक्रम में बाकी है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीट बंटवारे में क्या सभी दल आपस में राजी हो जाएंगे, क्योंकि कई राज्यों में कुछ में सरकारें अलग अलग पार्टियों की हैं, कुछ में गठबंधन की सरकारें हैं। ऐसे में प्रदेशों में जो बंटवारा होना है उस पर सबकी नजर बनी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।